नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट भारत और मैं हूं प्रशंसा आपके साथ। आज हम बात करेंगे कि आखिर सोनम वांगचुक कौन है और इनकी सरकार से शिकायतें क्या हैं। दरअसल सोनम वांगचुक लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता हैं और एक फेमस नामचीन इंजीनियर भी, जिन पर इंस्पायर था थ्री इडियट्स में आमिर खान द्वारा निभाया रांचो का किरदार। ये 21 दिन की भूख हड़ताल पर है। इनका कहना है कि केंद्र सरकार लद्दाख के मुद्दों पर ध्यान नहीं देती और उन्होंने मीडिया पर आरोप लगाया कि मीडिया, जो डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है, उन्होंने इस बात पर अभी तक आवाज क्यों नहीं उठाई। जब मीडिया सीमा हैदर के हिंदुस्तान आने पर इतना बवाल बना सकता है, तो इस मुद्दे पर क्यों नहीं? इस मुद्दे पर आखिर क्यों अभी तक जीरो चर्चा है? जब इनसे पूछा गया कि इनकी सबसे बड़ी मांग क्या है, तो उन्होंने बताया कि 2017 में लद्दाख स्वतंत्र राज्य हुआ करता था, लेकिन एक ऐतिहासिक गलती की वजह से ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा बना और वो उसे सहते रहे। 2019 में लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, लेकिन इनकी मांग थी कि लोकसभा के साथ इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। लद्दाख अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन की सीमा अपने साथ साझा करता है, लेकिन यहाँ हो रही उथल पुथल के बारे में लोगों को अभी तक कुछ सूचना नहीं है। भारत की सीमाओं पर सैनिक सबसे कमजोर स्थिति में है, क्योंकि सोनम के कथित अनुसार यहाँ के सबसे बड़े लड़ाकू माने जाते हैं लद्दाख स्काउट्स, सिख रेजिमेंट्स और गोरखा रेजिमेंट्स। आज लद्दाख के सैनिकों का मनोबल टूट गया है। उन्हें ना सुरक्षा दी गई है, ना लोकतंत्र, जिसकी वजह से वो अपने आप को आज लाचार महसूस कर रहे हैं। कुछ गोरखा सैनिक तो इतना टूट चुके हैं कि अब वो चीन की सीमा में शामिल होने जा रहे हैं, और ये वही सैनिक हैं जो कभी लद्दाख की शक्ति हुआ करते थे। उन सबके लिए सोनम वांगचुक ने आवाज उठाई है। I along with some 110 people are fasting indefinitely to remind the Indian government and the ruling party of the promises they made to people of Ladakh. In 2019, the government not only assured but kept this in the topmost agenda of their election manifesto in the parliamentary elections and later the Hill Council elections. But after that, there was a deafening silence for months, and then it became a crime to even remind them of the promises. और आगे ये भी कहा कि वो अनशन के बाद जिंदा बचे तो देश को हकीकत जरूर बताएंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि मोदी सरकार इनकी बात सुनती है या नहीं। और वीडियो देखने के लिए रिपोर्ट भारत को सब्सक्राइब करें।